तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हो। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आप लोगों को जो न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया है, सो उसी के बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा शेयर कर दूंगा। सो आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखिए। सो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं इस वीडियो के द्वारा शेयर कर दूंगा। एंड दूसरी बात, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड आपके दोस्त के साथ भी आप लोग प्लीज वीडियो वगैरह शेयर करिए, ठीक है। और इस तरह के जॉब्स के लिए आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ता है, मतलब आप लोगों को कंप्यूटर जो एबिलिटी टेस्ट वगैरह होता है, बेस्ट टेस्ट, तो इसके आप लोगों को जो रीजनिंग वगैरह एप्टीट्यूड देना पड़ता है। तो इस तरह की एग्जाम के लिए आप लोग हमारा जो यहाँ पर वीडियो है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह के बुक्स कैन आपको स्टडी मटेरियल से आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाके आप लोग ऑनलाइन से घर बैठे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप लोग पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो आप लोगों को चेपेस्ट प्राइस में आप लोगों को एंड अच्छी क्वालिटी बुक्स वगैरह आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो आप लोग सीधा एक हफ्ते के अंदर ही बुक्स वगैरह रिटर्निंग भी आप लोग कर सकते हैं, तो उसका भी आपको फैसिलिटी आपको मिल जाता है। सो चलते हैं पर वीडियो में। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो AAC सेंटर साउथ में है, जो यहाँ पर आपका न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आपको आर्मी ट्रेड्समैन के द्वारा यहाँ पर जारी हो गया है, जो लेबर में एंड आपको वेरियस पोस्ट वगैरह है। चलते हैं पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपका जो AAC सेंटर साउथ में है, जो 280C है, इसमें आप लोगों को पहला जो पोस्ट इसमें कुक होना चाहिए। इसमें आप लोगों को फॉर मेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 19,000 आप लोग 900 सैलरी में मिल जाता है, प्लस के बाद जीए वगैरह जो भी मिलता है वो मिल जाता है। इसमें आप लोगों को दो दो पोस्ट आपको मिल जाता है। दूसरा सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्शन दाइए, इसमें भी आप लोगों को 2 सीट मिल जाता है। नहीं, आप लोगों को यहाँ पर आपको 19 सीट मिलता है, इसमें दो आप लोगों को दिखता है, आपको पे स्केल 2 सैलरी मिलता है, ठीक है। दूसरा LDC पोस्ट के लिए, इसमें आप लोगों को पे स्केल 2 सैलरी मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को टोटल 5 पोस्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है जो ट्रेड्समैन एंड लेबर में ओनली मेल कैंडिडेट, इसमें भी यहाँ पर आप लोगों के लिए पे स्केल 2 सैलरी मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को पर 109 पोस्ट पर मिल ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आपको आता है। दूसरा जो टीन मीट एंड ओनली कैंडिडेट्स मेल, ये भी उनके लिए पे स्केल 2 एंड आपको टोटल को 8 सीट मिल जाता है। दूसरा बार बार पोस्ट के लिए, इसमें पे स्केल 1 मिल जाता है, एंड यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 3 सीट आपका मिलता है। तो टोटल मिला के यहाँ पर साउथ में आप लोग को 146 पोस्ट आपके पास मिल जाता है, इसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है जो नॉर्थ में है, इसमें आप लोगों को पहला पोस्ट MTS चौकीदार के रूप में, तो यहाँ पर उनको पे स्केल 1 सैलरी मिलता है, यानी यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट को 17 पोस्ट मिल जाता है। दूसरा मेल के लिए भी है, आप लोग देख सकते हैं, एंड आपको उसके बाद आप सिविलियन मोटर ड्राइवर जो ऑलरेडी ग्रेड पर है, ये भी उनको पे स्केल 2 सैलरी मिलता है, 37 पोस्ट आपका जारी होता है। उसके बाद जो क्लीनर है ओनली मेल कैंडिडेट, यहाँ पर भी उन लोगों को टोटल 5 पोस्ट मिलता है। उसके बाद जो व्हीकल्स मैकेनिक, इसमें उनको 12 पोस्ट मिल जाता है, इसमें उनको पे स्केल 2 मिलता है। उसके बाद जो पेंटर है, इसमें भी आपको पेंटर है पे स्केल 1 मिलता है, टोटल आपको 3 पोस्ट यहाँ पर मिल जाता है। उसका जो कारपेंटर है जो ओनली मेल कैंडिडेट, यहाँ पर उनको भी पे स्केल 1 आपको 11 की जगह मिलता है। उसका जो फायरमैन, इसमें पे स्केल 2 की से आपको टोटल आपको 1 सीट मिल जाता है। फायर इंजन ड्राइवर में आप लोगों को पे स्केल 3 मिलता है, यानी यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 4 सीट मिलता है। सो यहाँ पर भी आपको ग्रैंड टोटल मिलता है, आपका 236 पोस्ट आपके यहाँ पर आता है ग्रैंड टोटल मिला के सबसे, ठीक है। उसके बाद आपका जो नोटिस वगैरह दे दिया है, इसमें वो देख सकते हैं, ओनली वन ट्रेड में आप लोग अगर अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एक से जब पर आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। इसके लिए आप लोग फॉर डिस्प्ले एनी कॉल लेटर वगैरह थ्रू आपको ईमेल के द्वारा आपको मिल जाता है। तो फिजिकल कॉपी आपको डिस्प्ले आपको मिलता है, ठीक है। ये तो ये पर आपको सबमिट करना होगा, जो भी सेल्फ अटेस्टेड होता है फॉर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST/OBC उनके लिए, और जो EWS एक्सटीब्यूशन उनके भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका वैकेंसी से, तो यहाँ पर आपका टेंटेबली बाद में आपको इंक्रीज कर सकते हो, और भी एक बार अच्छी आपके पर
खुशखबरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सिनेमा स्टेशन में, यहाँ पर जो कुक है, यहाँ पर साउथ में, यहाँ पर आपको दो पोस्ट, एक पोस्ट आता है न्यू दिल्ली बेंगलुरु में जाता है, उसका जो CCI में पोस्ट वगैरह है इसमें उनको 19 पोस्ट है, यहाँ पर बेंगलुरु में जाता है। उसके बाद जो LDC पोस्ट आपको देख सकते हैं आप लोग, जॉयगांव आपका जो जॉयगांव होता है, जलंधर आता है, कलकत्ता है मुंबई में। उसका जो ट्रेड्समैन में लेबर पोस्ट में, यहाँ पे वो देख सकते, इसके हम गैंगटॉक में आता है, लेह में आता है, पटना में आता है, तवांग में आता है, अम्बाला में आता है, बेंगलुरु में आता है, इसमें आपको इस सब में आपको आता है, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट पर इस पे पोस्ट पे आता है, इसमें भी आप लोग देख सकते, जबलपुर में आता है, कानपुर में, ठीक है। ऐसे आपको अलग क्लास आपको पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद जो टीम्स में आता है, इसमें आपको अम्बाला, अमृतसर, गया में आता है, बिकनपुर आता है, जब आपको जो हल्दी में आता है, पठानकोट आता है, जो बार बार पोस्ट में आपको बेंगलुरु में आता है। दूसरा जो नॉर्थ में है, ये पर भी आप लोग देख सकते हैं, जो MTS में आप लोग अम्बाला में, बैंगलोर, देहरादून, महाराजा, लुधियाना में आपका आता है। दूसरा जो सिविल मोटर है, इसमें आप लोग देख, इसमें आप लोगों को कितना पोस्ट आपको जबलपुर ऐसे कर आपको पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद जो व्हीकल्स मैकेनिक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग पोस्टिंग किया जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन कुक में आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए एंड आपको नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग प्रोफिशिएंसी टेट में, और आपके पास कुछ नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, आपके पास छोड़ दे, आपके पास डिजर्वेबल, आपके पास जो इसेंशियल है वही आपका मेन है। सिविलियन मोटर ड्राइवर में उसके बाद मैं बोलूंगा, उसके अपार में आपका आता है सिविलियन कैटरिंग है, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन एंड आपको डिप्लोमा चाहिए कैटरिंग में। उसके बाद जो टीन स्मिथ में मैट्रिकुलेशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो LDC में भी आपको 12th क्लास पासर होना चाहिए एंड इंग्लिश टाइपिंग में आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। उसका जो बार बार पोस्ट में आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए एंड प्रोफेशन से आपको ट्रेड वर्क में जाना चाहिए। उसका पेंटर में आपको 10th क्लास पासर होना चाहिए, पेंटिंग में आपको नॉलेज रखनी चाहिए तो थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद जो MTS चौकीदार में मैट्रिकुलेशन शायद आपको होना चाहिए, सिविलियन मोटर ड्राइवर में भी आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों को, एंड मास्ट प्रोसेस वैलिड हेवी मोटर व्हीकल से आपको होना चाहिए। जो फायर इंजन ड्राइवर में भी मैट्रिकुलेशन एंड आपको ड्राइविंग में थोड़ी बहुत जानकारी एंड आपको 3 IPS का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फायर में देख सकते हो, सिर्फ ट्रेड्समैन में, लेबर में सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और कुछ नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्लीनर में भी आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए और कुछ नहीं। व्हीकल्स मैकेनिक में आपको 10th क्लास पास आउट एंड आपको कैपेबल फॉर रीडिंग नंबर फॉर नेम टूल्स एंड व्हीकल्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। ऐसा आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेड्समैन में आपको थोड़ी बहुत फिजिकल स्टैंडर्ड आपको हो जाएगा, एग्जाम वगैरह ऐसा आपको होता है, आप लोग प्लीज अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर पोस्ट के नहीं, थोड़ी बहुत पोस्ट के लिए, मतलब जो एक बार फायरमैन है वो ट्रेड्समैन उनके लिए आपको होता है, ठीक है। और एज का ATM दे दिया, फोटो कॉपी, क्लोथिंग डेट वगैरह सब कुछ आपको मेंशन किया गया है, कैसे आपका टेस्ट वगैरह होगा, तो प्लीज आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसे भी अप्लाई करना हो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा, आपको ऑफलाइन जाके आपको अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको जो फॉर्मेट होगा मैं आपको दे पर PDF के साथ मैं आपको अटैच करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो यह रहता है आपका परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन, इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना, इसका प्रिंटर करने के बाद आप खुद हैंडरिटन जो एड्रेस है उसी एड्रेस में आपको भेजना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ, ठीक है। सो चलता हूँ मैं, एंड सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो कुछ भी डाउट हो तो एनी अदर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपको पूरा रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए, जय हिंद।